नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। अभी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मानसून सत्र को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले भाजपा का दावा है कि प्रतिपक्ष यहां बेरोजगार है। यह इनकी अहंकारी सोच व गैर जिम्मेदाराना रवैया को उजागर करता है। सरकार की सोच व जनहित कल्याणकारी प्रति ईमानदारी एवं वफादारी साबित करने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न कि प्रतिपक्ष के विरुद्ध देशपूर्ण रवैया की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दूसरे लाइन में ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंतित व गंभीर होती है तो उनका यह विपक्षी विरोध बयान नहीं आता। वहीं मायावती ने आगे लिखते हुए कहा कि बल्कि ये बताते कि जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, गड्ढायुक्त सड़क, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया गया है व पलायन भी रोका गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके ऐसा कहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।